Anyone with that? इससे पहले कि मैं अकीदत की तिजारत सीखूं, इससे पहले कि मैं ताकत की इबादत सीखूं, इससे पहले कि मैं हकाई की खयानत सीखूं, इससे पहले कि मैं ताल्लुक में रिजालत सीखूं, और बिकाबा मेरे हाथों से कलम ले लेना, उंगलियां शिर हो मेरे जिस्म से दम ले लेना। वाजुल एहतराम प्रोफेसर इस्माइल साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नजीराम शेख साहब, चेयरमैन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर मशीद साहब, प्रेसिडेंट वर्किंग बारामुल्ला वर्किंग जनरल एसोसिएशन मोहतरम गुलजार साहब, जनरल सेक्रेटरी बारामुल्ला वर्किंग जनरल एसोसिएशन मोहतरम मशीद साहब, मेरे हम पेश साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदकिस्मती से इस प्रोग्राम में बहुत सब लोग शिरकत नहीं कर सके और इस प्रोग्राम को बड़ा मुख्तसर करना पड़ा, वरना हमने बड़ी सोच विचार के बाद इन मेहमानों को दावत दी थी उनको सुनने के लिए, हमारे उनको सुनते, लेकिन ये जो हादसा हमारे साथ पेश आया, हमारे एक सीनियर साथी के हम शहर का इंतजाम हुआ, तो इस प्रोग्राम को मुख्तसर करना पड़ा। लेकिन आने वाले वक्त में मेरी गुजारिश होगी मोहतरम गुलजार साहब से, मुर्शीद साहब से, कि एक सेमिनार टाइप प्रोग्राम रखा जाए जहाँ हम इनको सुनेंगे। नजीर साहब ने बहुत अनमोल बातें की, इस्माइल साहब ने, मोहतरम अमीन साहब ने, तो अच्छा इंतखाब था मेहमान निगरानी का। इनको सुनने से हमको एक नई जहत मिलती, हमको एक नया रास्ता मिलता, हमें नए ख्याल को अपने अंदर समझने की वो कुवत पैदा होगी। लेकिन ये जो तो सारे प्रोग्राम को मुख्तसर करना पड़ा, जो चंद अशआर मैंने आपके सामने आज कहे, ये एक सहाफी है महमूद शाह, ये पाकिस्तान जंग का मैनेजिंग एडिटर है, शायर भी है लेकिन सहाफी भी है। ये इसके ये चार बंद है, मुझे ख्याल था कि आज मैं पूरी अपनी तरह इन चार बंदों के इर्द गिर्द थी आपसे बात करूं, लेकिन मैंने अपने जैसे पहले आपका इस प्रोग्राम मुख्य करना पड़ा आइंदा आने वाले वक्त में। अलग एक चीज मैं आप सब दोस्तों से कहूंगा, जो साथी यहाँ पर नहीं है या जो हमको जाहिर देख रहे हैं, एक गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि कुछ भी हो, हालात कितने भी नामुवाफिक हो, आपको अपने उसूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अपने मियार से कभी नहीं गिरना चाहिए। जैसे इंसान ने आपको कहा कि जिन हालात का आप लोगों को मुकाबला है, जिन मसाइल और मुश्किल का आप लोगों को मुकाबला है, वो हमें नहीं करना। हम जब इस मैदान में आए उस वक्त ये मुकाबला नहीं, ना सोशल मीडिया का दौर था, ना कम्युनिकेशन का ये दौर था। जैसे इनमें कहा मोहतरम चिरानी साहब, मोहतरम मंसूर साहब, उसके बाद बशीर अलसफा साहब आए, उसके बाद उनके बाद एक नई एक मतलब जवानों की फौज में दाखिल हो गई। उस वक्त टेलीफोन वो डायल भी नहीं होता था, एक्सचेंज जाके वो उनको करना पड़ता था। बहुत बार मैंने अल्ताफ साहब के वालिद साहब को देखा शाम गई था एक्सचेंज के बाहर खड़ा, जहाँ जवाब न्यूज़ देनी थी वहाँ लाइन नहीं मिल रही थी। उन मुश्किल का आप लोगों ने सामना नहीं किया, ना आपने उस वक्त कॉम्पिटिशन भी नहीं था, आज आपको बहुत कॉम्पिटिशन है। आज ब्रेकिंग न्यूज बनती ही नहीं किसी की, क्योंकि पहले ही फेसबुक जर्नलिस्ट ने ब्रेक किया होता है, पहले ही हर घर में मोबाइल है, माइक है, तो उसने ब्रेकिंग किया होता है। और मैं आपको बताऊँ तो बहुत अवकात में हमने ब्रेकिंग पर बहुत पैसा कमाया है, बॉर्डर पर शेयरिंग होती थी अच्छा खासा पैसा कमा देते हैं, कहीं एनकाउंटर होता था अच्छा खासा पैसा कमा देते हैं, आप अच्छा पैसा कमा देते हैं।
मुझे और तो वो बात नहीं है। मैं अपने इस ख्याल का मुख्य करते हुए सिर्फ आपको दो चीजें कहूँगी। अगर आप इन दो चीजों के अलग कहेंगे तो आप अपना नाम बना सकते हैं समाज में भी और आने वाली जनरेशन से आपको याद करें। एक एक हालात कितने भी आपके खिलाफ आपको अपने असूल और जमीन के साथ सौदा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आए दिन में देखता हूं कि घरेलू मामला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं, किसी का किसी के साथ लेन देन होता है, किसी को बीवी के साथ झगड़ा होता है, किसी को खानों के साथ झगड़ा होता है, किसी को भाई ने जगह नहीं दी होती, बहन ने जगह नहीं दी होती, उनको सोशल मीडिया पर ला कर किसी को जलील मत करना। अगर उसकी आहने के लिए भी जिसकी आप इज्जत रिजी करते हैं आपके हाथ नहीं आएंगे, क्योंकि मजलूम बन जाता है उसका जब जब आप उसकी इज्जत को तार तार करते हैं। मेरी आपसे मुखलिस गुजारिश है इन चीज़ों को अपने पेज पे जगह मत दीजिए, ना अपने इस रोजमर्रा के इस काम में इन चीज़ों को जगह दीजिए, इसको डिस्करेज कीजिए। क्योंकि फेसबुक के ये साथी आपके साथ उठते बैठते हैं, उनसे भी कहिए किसी की इज्जत रिजी मत कीजिए। जो चीजें न्यूज बनने के काबिल नहीं होती उनको आप न्यूज बनाकर पेश करते हैं, इस समाज का क्या हाल होगा। मैं जिस सामने आपको निशान दी कि आपको आने वाले चैलेंज के या जो इस वक्त मौजूद चैलेंज है आपको सोसाइटी में, उस पर लिखिए, उस पर काम कीजिए। अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो समाज को बनाने में, समाज को सुधारने में, समाज को नई दिशा देने में आपका एक अहम रोल है। लेकिन दूसरों चीजों में व्यूज को ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने के लिए और आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि हमारी कौम का सोच और मियार कहां पहुंच रहा है। जिस पोस्ट में आप किसी लड़की का जिक्र करेंगे, जिस पोस्ट में आप किसी जोकर का जिक्र करेंगे, उस पोस्ट को आपको लाखों व्यूज आते हैं। जो पोस्ट आप संजीदगी से डालेंगे, जिसमें आपने कौम के मुस्तकबिल की बात की हो, जहां पर जिसमें आपने कौम में छुपी खामियों की बात की हो, उसको बड़ी मुश्किल से 100-150 लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, यहाँ जब 370 और ये 35 ब्रिगेड हुआ, अब लास्ट दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चलती रही वो लाइव चलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने अलग वेबसाइट खोली मतलब एडेक्स का कि लिंक दे दी उन्होंने, शायद कश्मीरों का सलामत आ जाए और उसको देखेंगे। 350 का टोटल उसको वॉच कर रहे, सिर्फ 350 है। उसके बरक्स जो हमारे ब्लॉगर्स हैं, चाहे मेल से चाहे फीमेल से, जब वो कोई चीज डालते हैं तो लाखों में व्यूज आते हैं। व्यूज के पीछे मत जाइए, व्यूज के पीछे मत जाइए। और एक चीज अपने आप में ये मुसम्मम इरादा रखिए, आप अपने यकीन रखिए कि रिज़िक अल्लाह ताला के हाथ में है। ये ब्लॉगर्स व्लॉगर्स बने साहब की रिज़िक नहीं चलती है, अल्लाह चाहेगा तो आपको 50 रिज़िक दे सकते हैं और आपके रिज़िक को कुशादगी अदा कर सकते हैं, आपके रिज़िक को बरकत अदा कर सकते हैं। अगर आप लीगल मीन्स से अपना करवाए तो आने वाले इजलास में आपसे खुलकर बात करेंगे। बहुत से मौजूद में बात करनी थी आपसे, सारे साथी नहीं है यहाँ पे, तो मैं आप सब लोगों को मशहूर हूँ आप यहाँ तशरीफ लाए। इलेक्शन होने के बावजूद भी आपकी मसरूफियात काफ़ी हैं, तो उसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए। मैं मेहमानानी ईरानी का भी बहुत इंतहाई मशहूर हूँ, मीन साहब सदर से तशरीफ लाए, नजीर साहब अपनी मसरूफियात, इसवा साहब के अपनी मसरूफियात, रशीद साहब के अपनी मसरूफियात, इन्होंने तमाम मसलों पर तरह चढ़ के हमें अवली तरजीह दी। इसके लिए अपनी तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आप सबको शुक्रिया। और आप यकीन देता हूँ कि जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की, जिन ख्यालों का लोगों ने इजाज़ किया, हम कोशिश करेंगे उन तमाम चीज़ों को इस एसोसिएशन में डालने की और अपने मेम्बरों को तरजीह देने की। बाकी वसलाम।